कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। देखिए भाई, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है ना? बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन अगर आप लोग को समझ में आ गया तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये टॉपिक उससे भी सिंपल है और उसी से हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट समझ जाएंगे। देखिए, पूरी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी इसको समझना ज़रूरी है। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, वो क्या है कि जब आप वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो वो सॉल्वेंट की जगह खाता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता है, और वेपर प्रेशर का क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन कैसा था, उल्टा इन्वर्स था, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद बताइए कि अगर किसी किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्लियर है? यही है लॉजिक। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि एक बार आपको वेपर प्रेशर, इवेपरेशंस और राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर एकदम एकदम इजी हलवा हो जाएगा, ठीक है? और वही लॉजिक से हम पूरा पढ़ते आ रहे हैं। देखो, हमने वेपर प्रेशर का ही सबको यूज़ किया, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन लगाया तो, और वेपर प्रेशर का फ्रीजिंग पॉइंट के साथ। वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन कैसा था? इन्वर्स था। वेपर प्रेशर कम हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। लेकिन वेपर प्रेशर का फ्रीजिंग पॉइंट के साथ रिलेशन डायरेक्ट है। वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, ठीक है? क्लियर है? देखते हैं, बहुत सिंपल है ये। वहाँ पर आपने बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन में डेल्टा टी भी लिखा था बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी एफ लिखेंगे। वहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलैलिटी के, यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। वहाँ प्रोपोसिटी साइन हटाने के लिए आपने कॉन्स्टेंट के भी यूज़ किया था जिसका नाम था इबिलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, और दूसरा नाम क्या था? मोलाल एलिवेशन, मोलाल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ पर के एफ यूज़ करेंगे, इस के एफ का नाम है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाम नाम से इसके ऊपर एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एक्चुअली में ये जो क्रायोस्कोपिक है ना, ये एक ब्रांच होती है, ठीक है ना? फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, दोनों जगह होता है। ये एक ब्रांच होती है जिसमें क्रायोजेनी वर्ड आता है, जिसमें आप कोई भी चीज़ की स्टडी करते हो ना, कोई भी चीज़ की स्टडी, कोई सोल्यूशन है, कोई चीज़ है, ठीक है, या कोई रिएक्शन है, बहुत लो टेम्परेचर पर माइनस में जाके करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्रायोजेनी। तो क्रायो क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पर रहे हो, इसलिए के एफ को क्या नाम दिया गया? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या देंगे बताइए? दूसरा नाम क्या देंगे? मोलाल, मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या नाम देंगे भाई? मोलाल डिप्रेशन कांस्टेंट। वहाँ पर क्या नाम दिया था? मोलाल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि बढ़ रहा था और यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है? तो के एफ के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई ये मोलालिटी को आप डिवाइड कर देंगे। याद करो, डेल्टा टी एफ डिग्री सेल्सियस और केल्विन सेम होता था, चेंज का 10 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री और 10 केल्विन दोनों आप क्या लिख सकते हो? इक्वल लिख सकते हो। तो के एफ की यूनिट क्या आ जाएगी? डिग्री सेल्सियस, मोल ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, केजी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और दूसरा यूनिट क्या आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस की जगह पे आपको कभी कभी केल्विन दे देगा। केजी माइनस है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। मोल नीचे प्लस है, ऊपर जाके माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों यूनिट में से कोई सा भी यूनिट यूज़ कर सकता है, ठीक है? याद रखना, के एफ और के बी दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट सेम है, और ये दोनों सॉल्वेंट के लिए होते हैं, दोनों सॉल्वेंट के लिए होते हैं, ठीक है? और ये फिक्स वैल्यू, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है? इसका ग्राफ उराफ अगर आप समझना चाहें तो बहुत सिंपल है। अगर ये वेपर प्रेशर यहाँ पर ले लें आप और यहाँ पर टेम्परेचर ले लें, तो मुझे एक बात बताओ, आप क्या करते हो फ्रीजिंग पॉइंट? अगर वाटर की ही बात कर लूँ मैं, तो वाटर क्या होता है? लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाओगे ना, फ्रीज करते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप क्या बोलते हो? जीरो डिग्री सेल्सियस। जीरो डिग्री सेल्सियस पे पानी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। तो उसका जो ग्राफ देखोगे, ये लिक्विड सॉल्वेंट के लिए, ये सॉल्वेंट है बट अभी कैसा है? लिक्विड है। तो इस पॉइंट पे वो कहाँ चला जाएगा? इस पॉइंट पे चला जाएगा, मान लेते हैं ये हमारा है, मैं ब्लैक से बता देता हूँ आपको, ये मैं बता देता हूँ टी नॉट। क्या बता देता हूँ आपको? टी नॉट। टी नॉट मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पड़ रहे थे, यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट। टी नॉट हम क्या बोल देंगे? टी नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट, ठीक है? ये जो करवा है ना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा करवाता है, ध्यान देना। लास्ट टाइम जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में, वहाँ पर सिर्फ ऐसे दो करवा रहे थे और आपने इसे बता दिया था कि इतने से बढ़ गया था बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर तीन करवाएंगे, एक लिक्विड सॉल्वेंट का आएगा और वो लिक्विड का फिर एक सॉलिड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अभी भी सेम ही है बट लिक्विड से सॉलिड फेज में जा रहा है, इसलिए एक कर्व बढ़ जाता है। और एक कैसा आएगा? एक कैसा आएगा? सॉल्यूशन के लिए आएगा। ये किसके लिए कर्व है? सॉल्यूशन के लिए। अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर इधर ही आने वाला है। तो ये पॉइंट जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा? टी एस रहेगा, समझे? ये इतने से कम हो गया, जैसे वाटर, या ध्यान रखो, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इधर उधर का सोचो मत। टी नॉट क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट फॉर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आप अगर मान रहे हैं, वाटर मान लें, तो जीरो डिग्री सेल्सियस मान लो, जब उसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, तो अब जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा सॉल्यूशन का, वो जीरो डिग्री सेल्सियस नहीं, माइनस वन पॉइंट समथिंग रहेगा, ऐसे। मतलब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है,
ये इसका मीनिंग है। इसका बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। जहाँ जिस कंट्री में आइस वाइस ना आइसिंग आ जाती है रोड पर, ठीक है ना, तो अरे अरे ट्रांसपोर्ट में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर करते ये है ना कि NaCl का स्प्रे मारते हैं। क्या मारते हैं? NaCl का स्प्रे। अब NaCl का स्प्रे मारने से होता क्या है, देखो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, देखना इसी का एग्जांपल, इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है। NaCl क्या है? एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्लियर। जब इस पर आइस पर आप मारोगे तो, आइस मारोगे तो ये कहीं ना कहीं पानी तो ही है जो कि सॉल्वेंट है। जब ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और ये कैसा सॉल्यूशन बनेगा? ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप सॉल्यूट कैसा ले रहे हो? नॉन वोलाटाइल ले रहे हो, क्लियर है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ले रहे हो। तो ये जब वो एक सॉल्यूशन बनेगा ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब जो पानी, जैसे मान लेते हैं वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वो मान लेते हैं कितना है, -1.23 डिग्री सेल्सियस है, क्लियर है, ठीक है, मान लेते हैं। और लिक्विड वाटर की जगह पे मान लेते हैं कोई और सॉल्वेंट आपने लिया हुआ है, तो और जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट है -1.15, ठीक है। वो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मान लेते हैं इतना है, तो अगर टेम्परेचर और नीचे जा रहा है तो इतने पे तो वो जो सॉल्वेंट है वो फ्रीज हो जाएगा, इतने पे वो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, इसके अंदर आप NaCl का जब स्प्रे मारते हो ना, तो ये वाला जो टेम्परेचर उठ के जाता है वो कितना चला जाता है, मान लेते हैं -1.46 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो इतना बना हुआ है, लेकिन उसी सॉल्वेंट को फ्रीज होने के लिए जब इतना लग रहा था तब वो फ्रीज हो जा रहा था क्योंकि टेम्परेचर उतना और कम था, लेकिन अब उस सॉल्वेंट को फ्रीज होने के लिए इतना टेम्परेचर लगेगा और इतना टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में है नहीं, तो वो जो सॉल्वेंट है पहले फ्रीज हो जा रहा था वो फ्रीज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो आइसिंग होती है रोड पर ना, उसको आप पिघला सकते हो बहुत सिंपली, ठीक है। ये होता है लॉजिक NaCl का स्प्रे मारने से, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है इसका, और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, वो जो मैंने आपसे पहले प्रॉमिस किया है कि मैं लास्ट में एक कंप्लीट एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन इस चैप्टर से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इसको कॉपी करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का आगे देखते हैं, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझा आपको, इसके न्यूमेरिकल्स के लिए मैं लास्ट में अलग से बताऊंगा, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, ठीक है ना, जो जो डेरिवेशन और फॉर्मूला आया उनके बेसिस पे, क्लियर है, ठीक है। एक और बात लास्ट में, अभी ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो मैंने बताया, उसको मैंने मोलैलिटी को ब्रेक नहीं किया था, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो फेमिलियर हो गया अभी बॉइलिंग पॉइंट अरे एलिवेशन से, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए तो फिर भी टेंशन मत लीजिए, वो फिर से न्यूमेरिकल में आ जाएगा, ठीक है। जो लास्ट क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर की, वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है भाई? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। आप ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ठीक है ना। अभी ऑस्मोसिस आप बायोलॉजी में बहुत जगह पढ़ते हो, ठीक है ना, केमिस्ट्री में भी बार बार आता है डिटेल में, ठीक है ना, अभी अच्छे से आप समझो, पहली बार समझने जा रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस होता क्या, अब ऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए अगर आप एक कोई कंटेनर ले लें, उसको इक्वल दो इक्वल पार्ट में या नॉट भी इक्वल पार्ट रहा है, मतलब कहने का मतलब बीच में एक डंडा मार दो, वो डंडे का स्पेशल नाम है, ठीक है ना, ध्यान में रखना, वो डंडे का स्पेशल नाम है, वो अभी मैं बताऊंगा क्या है। एक तरफ क्या ले लो आप, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ले लो, क्या ले लो, सॉल्वेंट, और एक तरफ क्या ले लो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, कहने का मतलब ले लो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, जिधर आप सॉल्वेंट लोगे तो इधर सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है, और ये साइड में राइट साइड में सॉल्वेंट आप देख सकते हैं, ब्लू वाले डॉट मैंने कम बनाया, ये जानबूझ के कम बनाया, ऐसे नहीं कि कुछ भी इसे बना दिया गया, ठीक है ना। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या लिया गया है, कम लिया गया, और जो रेड वाले हैं उनको मैंने सॉल्यूट बता दिया, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी चीज़ आप फिजिक्स में बार बार और केमिस्ट्री में, और ये बहुत बेसिक चीज़ें आप पढ़ते हो कि कोई भी चीज़ कहाँ से कहाँ मूव होती है, जैसे प्रेशर है हाई रीजन टू लो रीजन में जाता है, ठीक है ना, कोई चीज़ का फ्लो है तो हाई टू लो जाता है, ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पर भी होने वाला है। देखो बहुत सिंपल, ठीक है ना, ज़्यादा पहले बुक के डेफिनेशन पे हम नहीं जाएंगे, पहले हम इसको समझते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सॉल्वेंट यहाँ ज़्यादा है, सॉल्वेंट यहाँ कम है, तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ से यहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिल, जो सॉल्वेंट यहाँ है वो बोलेगा हम कम थोड़ी ना है, हम कम है तो क्या हुआ, हम इधर से इधर जाएंगे, जाएंगे लेकिन, और जाता भी है, जाता भी है, बिल्कुल जाता है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जाएगा और सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ पर कोई सॉल्यूट नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा है तो सॉल्यूट भी यहाँ से यहाँ जाएगा, उसको रेट से बनाया तो हम रेट से ही करते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये इधर से इधर जाएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जो डंडा मारा गया है ना, ये डंडे का एक स्पेशल नाम है, इसका स्पेशल नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है ना। इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे फाइन स्लिट्स और पोर्स होते हैं, ठीक है ना, जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है कि उसमें से पास हो पाए,
सॉल्यूट मॉलिक्यूल का, क्योंकि साइज थोड़ा सी बड़ा होता है तो कभी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देती है। कौन भाई? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक बात ध्यान रखना, सेमी परमिएबल, इसीलिए वो एक स्पेशल डंडा है, आम डंडा नहीं है, वो स्पेशल डंडा है, उसको स्पेसिफिकली उसको वहाँ पर लगाया जाता है कि वो सॉल्यूट को पास ना होने दे, सिर्फ किसको पास होने दे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने दे। तो जो ये सॉल्वेंट जा रहा था रेड वाला, इसको तो यहीं पर कट कर दो, सॉरी सॉरी, जो सॉल्यूट जा रहा था उसको वहीं पर क्या कर दो, कट कर दो। तो अब सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बची, क्या बची? सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट के साइज़ सारे मॉलिक्यूल्स के साइज़ बहुत छोटे होते हैं तो वो इजीली जा सकते हैं। इसको समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे सॉल्वेंट आप पानी ले लो, वाटर ले लो, ठीक है, और सॉल्यूट की जगह पर शुगर ले लो या NaCl ले लो, तो वो कितने भी अच्छे से डिजोल्व हो जाए उसके अंदर, उनके साइज़ का पार्टिकल का क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ठीक है ना। उसको कैसे समझोगे आप? जैसे सुक्रोज ले लो, सुक्रोज ही तो शक्कर होता है, नॉर्मल शुगर जो आप घर में यूज़ करते हो सुक्रोज होता है, और वो क्या होता है, C12H22O11, ये सुक्रोज होता है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल बना रहता है पानी के अंदर, ऐसे बहुत सारे सुक्रोज मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं बट ये एक सुक्रोज बना रहता है। तो क्या ये बड़ा रहेगा कि ये बड़ा रहेगा, आप खुद लॉजिक लगा लो। ये सॉल्यूट है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट है, तो कौन बड़ा रहेगा? भाई जाहिर सी बात है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, इतना बड़ा मॉलिक्यूलर मास है, वो ज़्यादा बड़ा रहेगा। तो जो स्पेशल डंडा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है, सिर्फ किसको अलाउ करती है, सॉल्वेंट को अलाउ करती है। तो सॉल्वेंट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये भी सच है कि यहाँ वाले सॉल्वेंट यहाँ आने की कोशिश करते हैं और यहाँ वाले यहाँ आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट का यहाँ पर है तो जो नेट फ्लो होता है, नेट फ्लो होता है, फ्लो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इसीलिए जब भी ऑस्मोसिस का डेफिनेशन पढ़ोगे वहाँ पर नेट फ्लो लिख के आता है। क्या लिख के आता है भाई? नेट फ्लो। कभी भी ऐसा नहीं लिखता है फ्लो सिर्फ नहीं लिख के आता है, क्या आता है? नेट आता है। नेट क्यों वो बोल रहा है? नेटवर्ड तब लगाते हो कि कोई चीज़ दो तीन डायरेक्शन में हो रही है और ओवरऑल आप बता दो ओवरऑल क्या हो रहा है, ठीक है ना। प्लस दो हुआ, माइनस वन हुआ, तो ओवरऑल क्या आया? प्लस वन आया। नेट आंसर क्या आया? पॉजिटिव वन आया। तो इधर से इधर जाने का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, और यहाँ से यहाँ जाने का अमाउंट है वो क्या है? कम है। तो जो नेट फ्लो होगा वो सॉल्वेंट का यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वाला नहीं जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ। समझ में आ गई बात? ठीक है। और यही जो फ्लो है ना, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है ना, इसी फ्लो को कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या कहा जाता है भाई? ऑस्मोसिस। अब इसको और थोड़ा सी अभी मैं डेफिनेशन से भी समझा देता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सॉल्यूट था क्या? यहाँ पर सॉल्यूट था? सॉल्यूट नहीं था। यहाँ पर सिर्फ प्योरली कौन है? सॉल्वेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर सॉल्वेंट भी है साथ साथ में सॉल्यूट भी है, तो सॉल्यूशन कहाँ पर बना? सिर्फ यहीं पर बना ना, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन है क्या? नहीं है सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट जहाँ पर सॉल्यूशन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से वहाँ जाएगा जहाँ पर सॉल्यूशन का हायर कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर हुआ भाई? ये सिर्फ सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये तब बनेगा जब इसके अंदर आप वो सॉल्यूट ऐड करोगे, अभी सिर्फ सॉल्वेंट है और यहीं से मूवमेंट हो रहा है इधर की तरफ, ठीक है। तो हम कहेंगे ये सॉल्यूशन का तो लो कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट का ऑब्वियसली सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर और सॉल्वेंट का लो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर, बट यहाँ पर सॉल्यूशन का लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर सॉल्यूशन का हाई कॉन्सेंट्रेशन है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट है, यहाँ पर सॉल्यूट नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए डेफिनेशन में बार बार कन्फ्यूजन होता है कि ये वाला लिखें कि ये वाला। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको सॉल्वेंट के टर्म्स में लिखना है तो आप बोलेंगे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जब आपको सॉल्यूशन के रेफरेंस में बोलना है, किसके रेफरेंस में बोलना है? सॉल्यूशन के, और जो कि बुक में लिखा ही रहता है सॉल्यूशन के रेफरेंस में, तो सॉल्यूशन के रेफरेंस में आप कहेंगे लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये बुक का डेफिनेशन है, देख लीजिए। द स्पॉन्टेनियस क्यों? क्योंकि अपने आप से हो रहा है, हमको कुछ लगाना नहीं पड़ रहा है। स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब चीज़ें ज़्यादा से कम की तरफ जाती हैं। द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट फ्लो, ठीक है ना। कौन सा फ्लो भाई? नेट फ्लो, ठीक है। फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ सॉल्यूशन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर सॉल्यूशन का हायर कॉन्सेंट्रेशन है। अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू स्पेशल डंडा। नाम क्या है उसका? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपको बोलना जरूरी है, अगर ये नहीं बोलेंगे तो ऑस्मोसिस का जो डेफिनेशन है वो इनकरेक्ट रहेगा, कंप्लीट नहीं रहेगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में आना ही चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है। क्योंकि सेमी परमिएबल क्यों? सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ। परमिएबल मतलब जो किसी को अलाउ करे, परमिट करे। परमिएबल मतलब क्या? परमिट करना, ठीक है, परमिशन देना। तो सिर्फ किसको परमिशन दे रहा है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को परमिशन दे रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है ना, ऑस्मोसिस के भरे पड़े एग्जांपल हैं, ठीक है। क्या क्या है मैं थोड़ा सी डिटेल में मैं सरप्राइज रख रहा हूँ, ठीक है ना, लास्ट में बताने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सी आपको थोड़ा सी एक मजा देके जाता हूँ, क्या, ठीक है ना। अचार पिकल्स कैसे बनते हैं, ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। डेड सी का नाम डेड सी क्यों पड़ा, ठीक है ना, इसका भी आंसर ऑस्मोसिस से आता है, ठीक है ना। खारा पानी क्यों नहीं पी सकते आप? आंसर ऑस्मोसिस से आता है, ठीक है ना।
ओडेमा ओडेमा ये जो होता है ना स्किन्स पर, कभी कभी बॉडी में पानी कम हो जाता है, सॉल्ट का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है वाटर डिहाइड्रेशन होने की वजह से ना हमारी स्किन कहीं कहीं पर थोड़ा सी पफ़ी हो जाती है, हल्का येलोइश पार्ट उसके अंदर पस टाइप का कुछ आ जाता है, खासकर इस चेहरे पर होता है, एक्ने वैक्ने उसके लिए आई थिंक वर्ड है इंग्लिश का, तो वो क्यों होता है, वो क्यों होता है, वो भी इसी के लिए होता है, ऑस्मोसिस, ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको डिटेल में समझा जाएगा बाद में, आई थिंक ये समझा होगा ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहाँ से कहाँ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये अगर समझ गया ऑस्मोसिस आपको थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर समझना बहुत सिंपल है, ठीक है, अब देखिए ज़्यादा ज़्यादा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर देख लो, यहीं पर समझ लो, यहीं पर समझ लो ये उसको भी भाई। अब मुझे एक बात बताइए, जो ओवरऑल था ऑस्मोसिस वो यहाँ से यहाँ जा रहा था थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसा मैं बता देता हूँ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि किधर से किधर, इधर से इधर जा रहा था ना, तो जिधर जा रहा होगा ना तो उधर आप क्या करेंगे, उधर एक ना पिस्टन लगा दो, फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्या लगा दिया एक भाई, पिस्टन लगा दिया, अब ये पिस्टन से आप प्रेशर अप्लाइड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रेशर अप्लाइड, बोलो भाई प्रेशर अप्लाइड कर रहे हो, प्रेशर अप्लाइड से क्या होगा मुझे बताओ, जब यहाँ पर आप प्रेशर लगाओगे, प्रेशर ज़्यादा करोगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा भाई, पिस्टन क्या है, पिस्टन धीरे धीरे से नीचे आएगा, एक टाइम आएगा यहाँ पर ऐसे फिक्स हो जाएगा इसे, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर प्रेशर बढ़ रहा है तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे थे अब यहाँ वाले भी उतने ही अमाउंट में और उतने ही स्पीड से इधर जाने लगेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा ना कि इधर का जो यहाँ से यहाँ जा रहे थे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दूसरे साइड में प्रेशर बढ़ रहा है। अरे भाई कितनी सिंपल सी बात है, इसको कैसे मैं समझाऊँ, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ इधर से उधर फेंक रहे हैं और उधर कोई प्रेशर ऐसे लगा रहा है, तो जो चीज़ इधर से जा रही थी ना वो नहीं जाएगी, क्योंकि उधर प्रेशर लग रहा है तो वो चीज़ वहाँ से यहाँ रिटर्न आने लग जाएगी, तो इतना मिनिमम प्रेशर लगाना है, इतना मिनिमम प्रेशर लगाना है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए, क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, वो जो पर्टिकुलर प्रेशर आपने लगाया है ना, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, समझिए बात को, प्रेशर आप किधर अप्लाई कर रहे हो, सॉल्यूशन के साइड में, सॉल्वेंट के साइड में नहीं, क्योंकि सॉल्वेंट से तो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, तो सॉल्यूशन के साइड में आप प्रेशर लगाएंगे और इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो प्रेशर आप प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं ना, उस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पर एक टर्म बोलते हैं कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, बट रियलिटी में अगर आप देखेंगे, रियलिटी में देखेंगे तो ऑस्मोसिस प्रोसेस रुकता नहीं है, ये तो हम बता देते हैं कि ऑस्मोसिस रुक गया है, बट ऑस्मोसिस प्रोसेस एक डायनामिक प्रोसेस है, ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस एक क्या है, डायनामिक प्रोसेस है, डायनामिक से क्या मतलब, डायनामिक इन नेचर का मतलब हो जो चीज़ रुकते ना हो, चलते रहो, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तो ऑस्मोसिस होते रहेगा, लेकिन क्योंकि प्रेशर आपने इधर इतना ज़्यादा लगा दिया है कि यहाँ से यहाँ पर भी चालू हो जाएगा, पहले ओवरऑल नेट फ्लो यहाँ से यहाँ होता था, अब जितना इधर जा रहा है ना उतना यहाँ जा रहा है, तो बाहर से जब ऊपर से बाहर से कंटेनर की तरफ देखोगे ना तो आपको लगेगा कि दोनों का जो लेवल है वो मेंटेन है, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन जितना इधर से इधर जा रहा है उतना इधर से इधर भाग जा रहा है, तो इसी को ज़्यादा अंदर ना जाते हुए हम बोल देते हैं कि ऑस्मोसिस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, लेकिन रियलिटी में ऑस्मोसिस स्टॉप नहीं होता है, जितने मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के यहाँ से जितने स्पीड में जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझाने के लिए बोल देते हैं, द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर अप्लाई करने वाला, ठीक है ना, एट विच ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप्स, ठीक है ना, जहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, उस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये जो पी अप्लाइड है ना आपका, इसी पी अप्लाइड को, ठीक है ना, इस चैप्टर में पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, तो दिस पाई इज नथिंग बट वॉट, ऑस्मोटिक प्रेशर, आई थिंक क्लियर हुआ होगा अभी, पाई को क्या कहा जाता है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर हुआ, फिर से सुन लो, ऑस्मोसिस रियलिटी में स्टॉप नहीं होता है, वो डायनामिक इन नेचर होता है, लेकिन जितने मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ वापस आ जाएंगे, तो जब बाहर से कोई ओवरऑल देखेगा ना तो उसको ऐसा लगेगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस रुक गया है, बट वो रुकता नहीं, अंदर होते रहता है, ठीक है, तो वो जो इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं दिखता है उसी टाइम पर, और उसी पर्टिकुलर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इस चैप्टर में ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ये इतना आप अगर आपको समझ में आ गया तो इसको कॉपी करिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बहुत ही खतरनाक, केंट का नाम सुना होगा, ठीक है ना, एक्वा गार्ड का नाम सुना होगा, ठीक है ना, एड में, एडवर्टीजमेंट में आप देखते हो क्या बोलते हैं, आर ओ चिल्लाते हैं ना ऐसे, आर ओ, तो ये आर ओ क्या है, आर ओ इज़ नथिंग बट रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था ये चैप्टर आपके डेली लाइफ से भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल, अभी तो हेनरी लॉ आना बाकी है,
स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग ठीक है ना, नीचे पानी के अंदर जाते हैं, टैंक यूज़ करते हैं, टैंक फटाक से ऊपर आते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है, द बेंड्स किसको बोलते हैं ठीक है ना, नाइट्रोजन नार्कोसिस किसको बोलते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें मज़ेदार चीज़ बाकी है ठीक है ना। कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ करते हैं ठीक है ना, भरे पड़े एग्जाम्पल ठीक है। इतना समझिए, फिर उसके बाद इसको कॉपी करिए, फिर इसके बाद हम सीखते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस समझा आपको ठीक है ना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइए ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। आप मुझे बताओ, ऑस्मोसिस हो रहा था क्लियर है, एक प्रोसेस था ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्वेंट था, जैसे मैं बोर्ड के ही पैरेलली में आ गया, ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्यूशन था ठीक है ना, यहाँ सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट है सॉल्यूट है, यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है कम है, सॉल्यूट का तो कोई लेना देना नहीं है, सॉल्यूट कहीं पर कुछ आ जा नहीं रहा है ठीक है ना। सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ जा रहा था, इसको बोल दिया आपने ऑस्मोसिस, बीच में एक डंडा, स्पेशल डंडे का नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठीक है। आपने इधर एक प्रेशर लगाया सॉल्यूशन के साइड में, प्रेशर लगाने के बाद ये जो इधर से इधर जा रहा था अब उतना ही इधर से इधर आने लगा, तो जो बंदा बाहर से जैसे आप कैमरे से देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ऑस्मोसिस रुक गया ठीक है, लेकिन ऑस्मोसिस रुकता नहीं है, डायनामिक में चलते रहता है ठीक है। तो ऑस्मोसिस जहाँ पर ऐसा लगे कि रुक गया है ठीक है ना, दैट पर्टिकुलर प्रेशर जो आपने लगाया है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर में पाई से ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, खुद लॉजिक लगाओ कि अगर इधर का मिनिमम प्रेशर पाई लगाने पर ऑस्मोसिस रुक गया, लेकिन आप प्रेशर और बढ़ा दो, प्रेशर आप बढ़ा दो तो अब ओवरऑल चीज़ें यहाँ से यहाँ जाने लगेगी भाई, यहाँ से यहाँ प्रेशर पाई लगाने पर ऑस्मोसिस क्या हो गया, रुक गया, जो चीज़ इधर से इधर जा रही थी वो रुक गई, क्यों रुक गई, क्योंकि इधर का प्रेशर बढ़ा दिया आपने। अब प्रेशर पाई से भी बढ़ा दो, जो प्रेशर अब लगाने जा रहा है वो प्रेशर क्या है, पाई से भी बड़ा है, पाई से बड़ा है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अगर अब प्रेशर बढ़ा दोगे ना, तब अब ओवरऑल जो नेट फ्लो हो जाएगा ना वो किधर हो जाएगा, यहाँ के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ भागने लगेंगे, सॉल्यूट को भी जाने का मौका मिलेगा क्योंकि यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही सॉल्यूट यहाँ पर आएगा, जैसे ही सॉल्यूट यहाँ पर इसके जस्ट जस्ट इसके वॉल पे चिपक के अंदर से बाहर जाने लगेगा, इधर साइड में डंडा बोल देगा नो परमिशन, डंडा क्या बोल देगा नॉट अलाउड ठीक है ना, सॉल्यूट को अलाउड नहीं करेंगे हम, तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट ही मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जो पहले ऑस्मोसिस इधर से इधर हो रहा था अब उल्टा होने लगा, तो अब क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। अब प्रोसेस का नाम क्या पड़ जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस के क्या होने लगा, उल्टा होने लगा ठीक है। ऑस्मोसिस में इधर से इधर जा रही थी, अब चीज़ें क्योंकि इधर ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो यहाँ से कहाँ जाने लगेगी, इधर जाने लगेगी, तो इसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। और यही प्रोसेस, यही पूरा फिनोमिना ठीक है ना, यही पूरा सेटअप, पूरा थ्योरी यूज़ किया जाता है कहाँ पर, जितने भी एक्वागार्ड है, केंट वाटर है, आरओ, जिसको आरओ नाम ही एक्चुअली में उसका रिवर्स ऑस्मोसिस है, जो आप आरओ आरओ बोलते हो उसका नाम ही रिवर्स ऑस्मोसिस है ठीक है ना, ठीक है ठीक है ना। सऊदी अरबिया ठीक है ना, पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है वहाँ पर, वो लोग क्या करते हैं, डीसेलिनेशन, ये वर्ड आपने सुना होगा हर एक चैप्टर में, डीसेलिनेशन मतलब क्या, सी वाटर लिया जाता है, सी वाटर लिया जाता है, सी वाटर क्योंकि खारा होता है, उसके अंदर सलाइन नेचर होता है ठीक है ना, नमक सॉल्ट सैलोजेंस होते हैं ठीक है ना, तो उनको क्या किया जाता है, रिवर्स, सॉल्ट भी है पानी भी है, तो बन गया सॉल्यूशन, बन गया सॉल्यूशन, एक टैंक टाइप कुछ लेते हैं ठीक है ना, सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं और रिवर्स ऑस्मोसिस करा के वहाँ से सॉल्ट को तो वहीं पर रख देते हैं, पानी को वहाँ से यहाँ कर लेते हैं, पानी प्योर होकर निकल जाता है, उसको यूज़ करते हैं ठीक है ना। 2008 या आई थिंक 9 में इसको बहुत ज़्यादा ठीक है ना, मिलियंस ऑफ टन्स वाटर, ऐसे पानी का बहुत प्रॉब्लम हुआ था, शॉर्टेज हुआ था, तब भी ये प्रोसेस अप्लाई करके सी वाटर से टैंक ही टैंक पानी ला के ऐसा किया जाता था, और ऐसे बहुत सारे कंट्री में करते भी हैं, फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरबिया में, क्योंकि वहाँ पर पानी का बहुत इशू रहता है ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस और आपका केंट ठीक है ना, भरे पड़े एग्जांपल इसके ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, कौन ये ध्यान रखना, क्या रिवर्स ऑस्मोसिस, अरे ऑस्मोटिक प्रेशर पे होगा, नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर पर ऑस्मोसिस स्टॉप हुआ था, ऑस्मोसिस क्या हो गया था, स्टॉप हो गया था, आपको ऑस्मोसिस स्टॉप नहीं कराना है, रिवर्स कराना है, तो इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ गई बात। तो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे आप वो पाई से ज़्यादा करेंगे ठीक है ना, पाई से क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो आप वहाँ पर जो फिनोमिना होने लगेगा, प्रोसेस होने लगेगा, वो क्या रहेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा ठीक है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत सारे लोग बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रॉन्ग, लोअरिंग नहीं है। मुझे बताओ क्या डेल्टा पी के इक्वल एक्स टू आया था, नहीं आया था, एक्स टू किसके इक्वल आया था, डेल्टा पी अपॉन पी वन नॉट के इक्वल आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ आया था, तो ये मैथमेटिकल प्रूफ हुआ ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑप्शन में कभी कभी आएगा क्या ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रॉन्ग कर देना, ऑस्मोसिस नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट आ गया कि नहीं आ गया, सॉल्यूट आने की वजह से सब लफड़ा हो रहा है,
जितने भी लफड़े हो रहे हैं, जितने भी कांड हो रहे हैं, सब सॉल्यूट आने की वजह से हो रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आने की वजह से। इसका फॉर्मूला भी होता है, पाई का फॉर्मूला होता है, जो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आप पढ़ते हैं ना, वही फॉर्मूला होता है। बस पी की जगह पे हम पाई लेते हैं क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी की जगह पे वी सिंपल, एन की जगह पे एन टू लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मुझे बताओ यहाँ पर सॉल्यूट अगर कम ज़्यादा रहेंगे तो इसको एरिया कम मिलेगा इधर से इधर जाने में, तो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अब कहीं ना कहीं किसके वजह से आ रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल के ही वजह से आ रहा है, और वो सरफेस के वजह से। तो यहाँ पर एन क्या आएगा, एन टू आर, तो आप जानते हैं आर के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है और क्या लेना है। एन टू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए, एन टू की जगह पर लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एम डब्ल्यू टू आर टी पाई वी, ठीक है। फिर से मैंने बताया आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके बार बार एग्जामिनर इस चीज़ को पूछता है, ये क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ अननोन सॉल्यूट। अननोन सॉल्यूट अगर आपको दे दिया जाए तो उसका मॉलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये था पूरी चीज़ें, जब न्यूमेरिकल देखेंगे इसका हम तो वहाँ पर समझाऊंगा मैं डिटेल में क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब एक दो बातें और सुन लीजिए, एक दो बातें ये कि जो ऑस्मोसिस होता है या ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो तीन टाइप के सॉल्यूशन भी होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक। आइसो का मतलब आप बोलते हो सेम, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, दोनों का जो प्रेशर है ना, दोनों का प्रेशर जो है वो क्या है, इक्वल, क्या है भाई, इक्वल है, तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरा सॉल्यूशन कैसा है, एक दूसरे के इक्वल प्रेशर में है, सेम प्रेशर में है, तो हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। मान लीजिए यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं दो पतीली में एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन में बी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई, पाई वन मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं पाई टू, तो अगर दोनों का पाई वन इज इक्वल टू पाई टू आ जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या कहेंगे भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर ए का पाई वन बड़ा हो जाए, पाई वन ग्रेटर हो जाए पाई टू से, तो अब हम क्या कहेंगे कि ए वाला हाइपर का मतलब ज़्यादा, ए वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया है बी वाले से, ठीक है, और बी वाला क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब लेस होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब लेस, तो बी वाला हाइपोटोनिक हो गया ए के रिस्पेक्ट में और ए वाला हाइपरटोनिक हो गया। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसा एक न्यूमेरिकल बना देंगे और न्यूमेरिकल बना के बोल देंगे दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक हैं, तो आइसोटोनिक बोलने से क्या हुआ, आइसोटोनिक बोलने से ये हुआ कि दोनों का प्रेशर आप सेम लेके एक का दूसरे का कुछ ना कुछ निकाल सकते हो। इसको भी न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कैसे इसका यूज़ करेंगे आइसोटोनिक का, ठीक है। तो ये था आज का, ये सब जितने भी पॉइंट्स हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी बातें हैं अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो